वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। गुरुकुल समाचार की जो एक पहल है कि हर घर में गौ माता हो, गोवंश हत्या मुक्त भारत हो, उसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं जयपुर में। और जयपुर के बगरू एरिया में ये गौशाला है, लगभग 20 किलोमीटर की दूरी है जयपुर से। और आज गुरुकुल समाचार के वरिष्ठ पत्रकारों के साथ नन्हे पत्रकार गौशाला की पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, तो जुड़े रहिए। वंदे मातरम दोस्तों, मैं महर्षि चरक गुरुकुल समाचार की ओर से आज हम आपको गौशाला के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। गौ माता की जय। जैसे कि हम सब बताते हैं कि गौ माता के अंदर सभी देवता प्रत्यक्ष में विद्यमान होते हैं, उसी प्रकल्प को आगे बढ़ाते हुए हम आपको आज दिखा रहे हैं बाबा रामदेव के नाम से स्थापित है गौशाला जयपुर से 20 किलोमीटर मात्र और बगरू। और ये गौशाला अपने उत्पाद भी बनाती है, ये आत्मनिर्भर गौशाला है जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें गौ। तो जो पहला भाग है उत्पाद का, हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजमेर जी बताएंगे क्या क्या उत्पाद यहाँ पे हैं। अजमेर जी, यहाँ हमारा गौ घृत है, घी है जी, और दोबत्ती है गाय के गोमय की जी, खांड है और ये हवन गोमय से बना हुआ ये हवन है जी, और ये धूप है, धूप है, ये गौमूत्र अर्क जी जो अद्भुत है अपने आप में, और ये गौ के कंडे जी जिस पर हम घर में हवन कर सकते हैं, ये अपनी गौशाला के। तो जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बताया, बहुत ही अद्भुत है। और मैं आपको कार्यालय का दृश्य एक बार दिखा देता हूँ, बहुत ही शानदार से इसको मेंटेन किया हुआ है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, गुरुकुल के वरिष्ठ पत्रकार आपको पल पल जानकारी देंगे। पंचगव्य हवन, बहुत ही खूबसूरत ये गौशाला। तो ये शानदार दृश्य आप देख पा रहे होंगे। और लास्ट में हम हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजमेर जी और चरक जी से जानेंगे कि अब तक जो यात्राएं की हैं गौशालाओं की, उनमें से इसको क्या मार्किंग देंगे, वो नंबर देंगे। ये देखिए व्यवस्थाएं देखिए यहाँ की। और लाइनें आप देखिए, गौ माता जहाँ निवास करे वहाँ गोविंद रास करे। और मैं बार बार एक बात कहता हूँ, और खुशी की बात यह है कि सफाई की व्यवस्था बहुत ही अद्भुत है तरीके से, पूरा बहुत ही शानदार व्यवस्थाएं हैं यहाँ की। ये शानदार सफाई की व्यवस्था, प्यारे प्यारे से बछड़े, और यहाँ पे जो ऊर्जा है स्थान पर वो देखते ही बनती है। और कहीं ना कहीं हमारी जीवन की जो ऊर्जा है वो गौमाता से ही है, और किस प्रेम पूर्वक ये हमें देख रही हैं, इनकी आँखों में जो प्रेम है वो भी अद्भुत है, अद्भुत।
और ये नंदियों के लिए अलग से व्यवस्था, बहुत ही अद्भुत। गिर नस्ल का नंदी है और हमारे नन्हे पत्रकार ने हमें जानकारी दी, बहुत शानदार। थार पारकर नस्ल का ये नंदी यहाँ पे, बहुत ही शानदार। और नंदियों के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वो भी अद्भुत, ये देखिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही अद्भुत। तो ये शानदार व्यवस्था आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गौ माता के लिए। छोटी सी बच्ची देखो कितनी सुंदर गिर गए यहाँ पर। और ये देखिए कितना सुंदर है, कितना सुंदर और प्यारा सा गोवंश। मनुष्य के जीवन का सार है गोमाता। मैं तो ये कहूँगा कि जिसके घर में गोमाता नहीं है, देखिए प्रेम पूर्वक गोमाता। पानी की व्यवस्था बहुत ही अच्छी। ये शानदार व्यवस्था है यहाँ पे। सारे आगे ये हमारे नन्हे पत्रकार से किस प्रकार से प्रेम कर रहे हैं चरक के साथ, ये देखिए। क्षमा, यही इनकी खास बात है, यही इनका प्रेम है। मिलने के लिए आ गया भाई। कहते हैं ना कि भोजन की थाली छोड़ के ये आप लोगों के पास आ रहे हैं। इनको भी पता है कि अजमेर जी पत्रकार कम और गो भक्त ज़्यादा हैं, और पत्रकारिता का जो बेड़ा इन्होंने उठाया है गुरुकुल समाचार ने, उसका भी मूल उद्देश्य यही है कि समाज को जागृत किया जाए, प्रकृति के साथ जोड़ा जाए और इस राष्ट्र को बचाया जाए, इस संपूर्ण विश्व को आरोग्य सुख प्रदान किया जाए। इनका जो प्रेम है ये देखिए, अद्भुत। ये देखिए, बोलो सर्वदेव मई गौ माता की जय, बोलो सर्वदेव मई गौ माता की जय। माँ की तरह जो प्रेम करे उसे गौ माता कहते हैं, आपके दुखों को जो हर ले उसे गौ माता कहते हैं, इस सृष्टि का पूरा चक्र जो चला रही है उसे गौ माता कहते हैं। जहाँ जहाँ गौ माता निवास करे वहाँ वहाँ सुख का वास करे। ये देखिए पीने के पानी की व्यवस्था, कलाई कर रखी है।